नमस्कार दोस्तों, आज हम दिखाएंगे शुभम पैलेस लखनऊ में। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ सत्संग का आयोजन किया गया है। और आप इधर आप देख पा रहे हैं कि ये पार्किंग व्यवस्था इधर की गई है, माता की इधर पार्किंग है और ये पार्किंग व्यवस्था की गई है। शुभम पैलेस में हम आपको दिखाएंगे कि अंदर की ओर के लिए चलेंगे सत्संग स्थल की ओर। यहाँ पे जूता चप्पल की व्यवस्था जमा करने की व्यवस्था बनाई गई है कि बेहतरीन तरीके से। यहाँ पे पुस्तक स्टोर लगाया गया है, पुस्तकालय बना रखा हुआ है। अब आपको ले चलेंगे अब हम आपको दिखाएंगे सत्संग स्थल की ओर आ चुके हैं। यहाँ पे सत्संग चल रहा है, अब आपको दिखाएंगे सत्संग स्थल की ओर। जिस प्रकार गुरु तुम्हारे आकाश से निकली सने वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। देखो कितना समझ गया हमने, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 81 में प्रतीक संकल्प कर दिया कि वो परमात्मा राधा की तरह देखा दुर्गा है। राधा का अर्थ है कि वो शक्तिशाली होता है, मनुष्य सदस्य ही है, राधा के समान है और साकार है, देखने लगा है। और वो अच्छी आत्मा को वहाँ से चलकर आकर मिलता है और जो दृढ़ भक्त होते हैं उनको मिलता है। लेकिन नहीं, जैसे आकाश की बिजली, आकाशीय बिजली गिरती है, वो किसी वस्तु पर गिरती है जहाँ उसका विशेष अट्रैक्शन बनता है। पुराने समय में जब काशी धातु के बेले थाली हुआ करते प्रांत, और उनको अगर वर्षा के दिनों में कहीं बाहर वो पड़े रह जाते तो हमारे बुजुर्ग दादी माता कहा करते थे कि काशी के बर्तन पर बिजली गिर जाती है, जब उसका संयोग होता है ऊपर से गिरने का, तो वहाँ अवश्य उसी को तुरंत वहीं आकर के अट्रैक्ट होती है, उसका खेती आती है, उसी पर गिरती है, उसको उठवाकर अंदर रखवा दिया करते थे। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा उस बिजली की तरह जैसे वो अपने विशेष जिस पर वो आकर्षण होता वही गिरती है, ऐसी सब स्थिति से परमात्मा उन दृढ़ भक्तों को आकर मिलता है जो मिलन योग्य हो, जिनको वो उनसे आकर्षित होता है ताकि ये मेरी आगे बढ़ा सके, इस ज्ञान को काल के जाल को हटा सके, मेरे प्यारी आत्माओं तक ये संदेश पहुंचा सके। और उनका भी करके आंखें देखें तो बिना मन उन्होंने भगवान मिल लगा, उन तक काट मिल लगा जाहिर रह रहे। अब नौवें मंडल सूक्त 82 का मंत्र 1 पढ़ लिया, अब 2 दिखाते हैं। देखिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का हमने ये पढ़ लिया, अब 2 पढ़ते हैं। वो परमात्मा किस उद्देश्य से आता है? हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप जाने वाले का सत्संग होता है वो मांस बोल है, और उसमें आने वाले सब हंस है, छान नहीं रहेगी बाई समझ जो